अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शुभाना यूट्यूब चैनल। आज मैं एक सिंपल सी रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, जो है कि चिकन मैक्रोनीज। चिकन मैक्रोनीज ना सिर्फ बच्चे शौक से खाते हैं, बड़े हर एज के लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। और इसके बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है और जो झटपट से रेडी हो जाता है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उसमें हमें सबसे पहले चाहिए मैक्रोनीज। मैक्रोनीज डिफरेंट किस्म के शेप्स में आती हैं। मैं इस शेप की मैक्रोनीज यूज़ कर रही हूँ और ये बेक पार्लर वालों का मैंने हाफ पैक लिया है। हाफ केजी इसमें मैं चिकन लूँगी और चिकन को इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काटा हुआ है, ये बोनलेस है। उसके बाद ड्राई स्पाइसेस में हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून दादर मिर्च, 1 चम्मच हाफ टेबल स्पून ही नमक, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, चॉप की हुई लहसुन 3 जवे, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। और मैक्रोनीज को बॉईल करने के लिए हाफ टेबल स्पून हमें चाहिए नमक और 1 स्पून हमें चाहिए ऑयल और 1.5 लीटर के करीब हमें चाहिए पानी। इसके अलावा प्याज हाफ है, जिसको मैंने चॉप किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें डालें, अदरवाइज इसके बगैर भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। 1 टमाटर, जिसको आप कद्दूकस से बारीक कर लें, या टोमेटो पेस्ट भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉसेज में इसमें चाहिए हमें सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और चिली सॉस भी हमें इसमें 1 टेबल स्पून चाहिए। आइए तो इसको बनाने का तरीका हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉस पैन में मैंने वाटर को ऐड किया है, उसके बाद 1 चम्मच मैंने उसमें नमक डाला है और 1 ही स्पून मैंने उसमें कुकिंग ऑयल डाला है। और अब हाफ मैक्रोनीस का हाफ पैन भी इसमें ऐड करेंगे। मैक्रोनीस को बॉयल होते हुए, अच्छे से नरम होते हुए 5 से 7 मिनट लगते हैं। आप एक दफ़ा उसको 5 मिनट तक देख लें, अगर तो वो अच्छे से नरम हो चुकी हैं लेकिन थोड़ी हार्ड फॉर्म में हो, बिल्कुल ही वो आप उसको नरम बिल्कुल ना कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा हार्ड है तो आप उसको 7 मिनट तक करें। और दूसरी जानिब हम अपने पैन में 1/4 कप ऑयल डाल के उसमें चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और उसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको भून लेंगे। लहसुन और प्याज लाइट से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें चिकन को डाल के 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। 3 मिनट चिकन को ऑयल, अदरक और लहसुन में करते हुए हमें हो गए हैं और चिकन अभी सिर्फ ये वाइट फॉर्म में आए हैं, इसको हम थोड़ा सा गोल्डन कलर और देंगे। जी जानी, हमारी मैक्रोनीस 7 मिनट्स में बिल्कुल बॉयल होकर रेडी हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें इसको छन्नी में से छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको एक साइड पर कर देते हैं। छन्नी में हम ठंडे पानी का टैप खोल देंगे और मैक्रोनीज को उसमें डाल देंगे। इससे ये होगा कि ये मैक्रोनीज आपस में चिपकेंगी नहीं और ये अलग अलग से ही रहेंगी। दूसरी जानी को हमारी चिकन लाइट गोल्डन शेड में आ गई है, इस फॉर्म में अब हम इसमें टमाटो की पेस्ट और स्पाइसेस डाल देंगे। टमाटर की पेस्ट, नमक आधी चम्मच, दादर मिर्च आधी चम्मच, कुछ धनिया और जीरा 1/4 टीस्पून और आधी चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर की पेस्ट और स्पाइसेस डाल के इसमें मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया है और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद इस मसाले में भूनेंगे, फ्राई करेंगे, ताकि ये मुर्गी अंदर तक गल भी जाए और तमाम स्पाइसेस मुर्गी के अंदर चले जाएँ। चिकन मसालों में और टमाटर की पेस्ट में अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इस मसाले पर हम इसमें तीनों सॉसेस, सोया सॉस 1 चम्मच, सिरका 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच और 2 चम्मच हम इसमें टमाटो केचप भी ऐड करेंगे। तीनों सॉसेस और टमाटो पेस्ट इसमें डालने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छे से कुक्ड फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इसमें मैक्रोनीज शामिल करते हैं। मैक्रोनीज शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हम आपस में मिक्स कर लेते हैं।
अच्छे से मिक्स करने के बाद मैक्रोनीज एकदम से रेडी हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल के इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इसमें फ्रेश कोरिएंडर डालते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी फाइनल लुक है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ चिकन मैक्रोनीज। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैक्रोनी की सिंपल सी डिश अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।